बेखबर बेशरम बेखौफ बेमिसाल है हौसला हमारा, रोकने के लिए तुमसे जो होता है कर लो। के बेखबर बेशरम बेखौफ बेमिसाल है हौसला हमारा, रोकने के लिए तुमसे जो होता है कर लो। और क्या कहा, मुकाबला करना है हमारा, पहले हमारे जितनी मेहनत तो कर लो। तो हेलो गाइस, प्रीव्यू में आप लोगों ने जिस टाइप का एडिटिंग देखा उस टाइप का एडिटिंग आज मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। और ये एडिटिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की वाली होने वाली है, बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ये एडिटिंग मैंने बनाने के बाद इस वीडियो को मैंने मेरा शॉर्ट चैनल पर अपलोड किया, जिसकी वजह से उस पर अच्छी खासी व्यूज़ आई। जिस चैनल का लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि अबाउट सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस एडिटिंग में आगे बढ़ते हैं। तो VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों को अपना जिस फुटेज को आप एडिट करना चाहते हो उस फुटेज को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आप लोगों को लास्ट वाला जो लोगों का पार्ट है उसे डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद आप लोगों को फुटेज को पकड़ने के बाद, मतलब कि सिलेक्ट करने के बाद, इसको स्लो कर देना होगा अपने हिसाब से। आप जितना स्लो रखना चाहते हो इस फुटेज को, तो स्लो करने के बाद इस फुटेज को आप लोगों को क्लिक करने के बाद नीचे आप लोगों को फॉरवर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एकदम लास्ट में, उसे क्लिक करने के बाद ऊपर वाले लेयर में ये फुटेज चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले लेयर में जाने के बाद अब हमें इसके ऊपर मास्क ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लेयर वाले ऑप्शन पे मास्क देखने को मिलता है। तो मास्क ऐड करने के बाद जो सेकेंड वाला मास्क का ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कीफ्रेम यूज़ करके इसको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले इसे थोड़ा, जैसे मैं कर रहा हूँ, इसे थोड़ा जूम को छोटा करके इसे ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, उसके बाद मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो अभी हमें कीफ्रेम लगाकर इसे एडिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसा मैं इसे ऊपर की तरफ ले गया, अब शुरुआत में हमें कीफ्रेम लगाना पड़ेगा, और कीफ्रेम का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो कीफ्रेम लगाने के बाद बीच में हमें फिर से एक कीफ्रेम लगाना पड़ेगा अपने हिसाब से। आप लोग चाहो तो जिस जगह पर आप लोग कीफ्रेम लगाना चाहते हो अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो कीफ्रेम ऐड करने के बाद मैं इसे होल्ड प्रेस करके नीचे की तरफ लाऊंगा, फिर मैं लास्ट में जाके कीफ्रेम ऐड करूंगा जिस जगह पर मैं कीफ्रेम लगाना चाहता हूँ, फिर इसे पूरा नीचे लगा ले आऊँगा। आप लोग चाहो तो लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो, इस मतलब कि ये जो कीफ्रेम वाला पार्ट है वो मैं राइट साइड से, ये लेफ्ट साइड से ऊपर से शुरुआत किया, आप लोग चाहो तो राइट साइड से या तो किसी और जगह से शुरुआत कर सकते हो। ये तो स्लो मोशन में हमारा जो लाइटनिंग वाला जो इमेज, मतलब वीडियो का जो मेन पार्ट है वो एडिट हो गया, लेकिन मुझे अपने सॉन्ग के साथ इसे अटैच करना होगा जिस सॉन्ग को मैं देना चाहता हूँ। तो मुझे लास्ट वाला जो कीफ्रेम है उसे थोड़ा पहले ऐड करना होगा, मतलब कि मैंने ज़्यादा ही लास्ट में कीफ्रेम ऐड कर दिया। तो आप मुझे अब उतना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट वाला कीफ्रेम म्यूज़िक के हिसाब से ऐड करना पड़ता है। अभी मेरा जो म्यूज़िक है मैंने अभी नहीं ऐड किया इस एडिटिंग ऐप पर, मतलब जो लिरिक्स है उसे ऐड करने के बाद मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उसे म्यूज़िक के हिसाब से आप लोगों को कीफ्रेम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं लेयर वाले ऑप्शन में जाके अपना म्यूज़िक का जो लिरिक्स का जो वीडियो है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा प्रोसेसिंग लेने के बाद ये वीडियो आ गया। तो इसे अपने हिसाब से साइज़ को जूम करके इसे एकदम नीचे ला लेता हूँ, मतलब कि जिस जगह पर मैं इस लिरिक्स को रखना चाहता हूँ। फिर इसे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाके स्क्रीन पर अप्लाई कर देना होगा। स्क्रीन पर अप्लाई करने के बाद आप लोगों का जो ये लिरिक्स का लाइन है इसे आप लोगों को सिलेक्ट करने के बाद इसे, इसका वॉल्यूम आप लोगों को फुल कर देना होगा, क्योंकि जो लेयर वाली लेयर में जब आप वीडियो ऐड करते हो तो उसका म्यूज़िक म्यूट हो जाती है। तो उससे पहले आप लोगों को म्यूज़िक को ठीक करना होगा, और इस म्यूज़िक को मैं, मतलब कि जो लिरिक्स का लाइन है इसे पकड़ने के बाद वीडियो टू एक्स, मतलब कि वीडियो से जो म्यूज़िक है उसे एक्सपोर्ट करके, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करके अलग कर दूँगा जो मुझे करने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो पहले तो मैं इसका कीफ्रेम को ठीक से लगा लेता हूँ जो मेन वीडियो है उसका, क्योंकि मुझे अभी म्यूज़िक देखने को मिल गया है और म्यूज़िक के हिसाब से हमें इसका कीफ्रेम लगाना पड़ेगा जो मेन जो वीडियो है जिस पर नाल ऑब्जेक्ट हमने लगाया है। ठीक है, तो वैसे आप लोगों को म्यूज़िक के हिसाब से बीट को मैच करके करते हुए जो नाल ऑब्जेक्ट का जो कीफ्रेम है उसे लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले उसे लगा लेता हूँ अपने हिसाब से। तो फिर से मास्क वाले ऑप्शन पर जाके लास्ट वाला कीफ्रेम को मुझे रिमूव करना होगा, तो इससे पहले रिमूव कर देता हूँ। अब इस जगह पर मुझे कीफ्रेम लगाना पड़ेगा, इस जगह पर मैं कीफ्रेम लगा के ऐड करके इसका जो अंडरलाइन है इसे मैं होल्ड प्रेस करके नीचे की तरफ ले आऊँगा। ओके, तो ऐसे आप लोगों को म्यूज़िक का बीट की सबसे करना पड़ेगा। आप लोग चाहो तो अनलिमिटेड कीफ्रेम लगा सकते हो,
वो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे जो ऊपर वाला म्यूज़िक का जो लिरिक्स का जो लाइन है उसे पकड़ के हमें एडिट करना होगा। तो पहले मैं जो फालतू पार्ट है उसे डिलीट कर सकते हो आप, जो वीडियो का लास्ट में जो फालतू पार्ट आती है तो उसे आप चाहो तो अपने मन की सबसे डिलीट कर सकते हो। तो मैं पहले डिले स्प्लिट करके उसे अभी डिलीट कर दूंगा। तो पहले तो मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि अगर मैंने डिलीट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी मेरी वीडियो में, लास्ट में जो फिनिशिंग होगा वो गलत तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट कर लेना, उसके बाद ही वीडियो को स्प्लिट करना, उससे दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं अभी स्प्लिट देखिए, मैंने अभी डिलीट नहीं किया ताकि लास्ट का फालतू पार्ट एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से एडिट करके डिलीट कर सकूँ। तो डिलीट करने पर आप लोगों को दिक्कत होती है, जो अभी मेरा हुआ देख ही सकते हो आप लोग। तो अभी फिर से मुझे इसे अंडू करके वापस लाना होगा। तो मैं अभी आप लोगों को लिरिक्स का जो म्यूजिक के हिसाब से बीट को ऐड करने के बाद वो करना होता है, वो मैं अभी आप लोगों को करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसे लास्ट वाले पार्ट को थोड़ा सही से ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं म्यूजिक की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोग अपना लिरिक्स को आप लोग एक बार सुन लेना वीडियो के हिसाब से। तो लिरिक्स सुनने के बाद आप लोग इससे अच्छी तरह से एडिट कर सकते हो। तो पहले मैं मास्क को ठीक से एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में ठीक से एडिट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि लास्ट में तो जो शॉर्ट होती है उसका मेन चीज़ होती है, क्योंकि ये मोटिवेशनल बड़ी मतलब कि जो ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग होती है वो है। तो अभी मैंने मेन जो लिरिक्स है उसे पकड़ने के बाद जो इसका जो ऑडियो है उसे अलग कर दिया, मतलब वीडियो से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करके अलग कर दिया। तो अभी म्यूजिक का लेयर पर भी मुझे थोड़ा सा मास्क वाले ऑप्शन पर जाकर लीनियर को ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया अभी आप लोग देख ही सकते हो। तो लीनियर मास्क आप नहीं भी ऐड कर सकते हो म्यूजिक का लिरिक्स के हिसाब से, लिरिक्स पर, क्योंकि मैंने ऐड किया ताकि वो जो म्यूजिक अलग से मैंने उठा कर लाया वो समझ में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा मास्क वाले ऑप्शन पर जाकर लीनियर कर दिया। अब इसको हमें एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद VN एप्लीकेशन पर फिर से हमें इस वीडियो को ऐड करना होगा जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद इसे फिर से ऐड कर दिया, और लास्ट का जो लोगो का पार्ट है उसे डिलीट करने के बाद लास्ट में जो फालतू पार्ट है मतलब ये ब्लैक हो गया, मतलब कि इसमें कुछ नहीं है, इसे हमें डिलीट करना होगा। अभी डिलीट कर दिया, पहले डिलीट नहीं किया था। तो अभी हमें इसको स्प्लिट करना होगा, ठीक है। मतलब कि म्यूजिक का लिरिक्स जो आती है, लिरिक्स नेक्स्ट लाइन, लिरिक्स का जो नेक्स्ट लाइन आती है, नेक्स्ट लाइन आने से पहले हमें मेन फुटेज को स्प्लिट करना होता है, ताकि इस स्प्लिट वाली जगह पर हम एनिमेशन लगा पाए या एफेक्ट्स लगा पाए, जो अभी मैं कर रहा हूँ आप लोग देख ही सकते हो। और स्प्लिट करने के बाद एफेक्ट्स लगाने से पहले आप लोगों को मेन फुटेज को थोड़ा जूम कर लेना होगा, ठीक है। जो फुटेज नहीं मतलब कि नीचे जो अंडरलाइन पर आप स्प्लिट कर रहे हो उस अंडरलाइन को आपको जूम कर लेना होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि अंडरलाइन में स्प्लिट करने के बाद कुछ कुछ जगह पे प्लस का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलता है और कुछ कुछ जगह पे नहीं देखने को मिलता है। मतलब कि जिस जगह पर जो स्प्लिट हुआ उस पार्ट को अगर छोटा हो जाती है तो वो देखने को नहीं मिलता, मतलब कि उसे जूम करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हर जगह पर स्प्लिट वाली जगह पर प्लस का ऑप्शन देखना ज़रूरी है, मतलब कि वो ज़रूरी है, उसकी मदद से आप लोग नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो ऐड कर सकते हो। तो अभी मैं सारे लिरिक्स का लाइन के सबसे स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट करने के बाद हमें इसे जूम करना होगा, उसके बाद ही हमें एफेक्ट्स लगाना होगा, ठीक है। तो मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, आप लोग देख लेना कैसे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। तो अपने अपने मन के हिसाब से भी आप लोग स्प्लिट कर सकते हो। तो मैं लिरिक्स का लाइन के हिसाब से स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अगर आप लोग जो मतलब जो मास्क का ऑप्शन है दिया है उस पर अगर आप लोग दूसरा ये मास्क का जो दूसरा तीसरा इफेक्ट है उसे भी आप ऐड करना चाहते हो तो कर लेना। मैंने सिर्फ दूसरा वाला ऐड किया जो आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। तो अब लगभग मेरा स्प्लिट का काम हो ही चुका है। तो अभी मैं इसे जूम करूँगा और मैं इसे और एक एडिटिंग ऐप का ज़रूरत पड़ेगा हमें भी मतलब कि वीवा कार्ड वाली जो एडिटिंग ऐप है एडिट करने के लिए। तो पहले अभी आप देख ही सकते हो मैंने जूम कर लिया और जितना सारा जो स्प्लिट का पार्ट है वो मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। अब नीचे हमें एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे जाके जिस एफेक्ट्स को आप देना चाहते हो उसे सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू ऑल कर देना है, और आपका वीडियो आधा बन के रेडी हो चुका है। अभी इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि
जो आप लोगों को बता देता हूँ कि जो वीवा कट एप्लीकेशन है जिसका ज़रूरत हमें इस वीडियो में अभी पड़ेगा, क्योंकि उसका मदद से हम इस पर और भी इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो वीवा कट एप्लीकेशन है उस पर आप लोग लोगो देखने को मिलता है, तो उस लोगो को कैसे रिमूव करना होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और स्प्लिट करने के बाद इसे जो म्यूज़िक है उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने म्यूज़िक का जो मैंने पहले एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो का म्यूज़िक को मैंने अलग से लगा लिया ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों का अगर स्प्लिट करने के बाद म्यूज़िक को दिक्कत आती है, म्यूज़िक में जो स्प्लिट का पार्ट वो स्प्लिट हो जाती है म्यूज़िक, तो आप लोग नेक्स्ट मतलब कि अलग से म्यूज़िक लगा सकते हो, जो मैंने लगा लिया। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेने के बाद हमें वीवा कट एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके मदद से हमें और इफेक्ट ऐड करने को मिलेगा जो वीवा कट एप्लीकेशन पर नहीं मिलता। ठीक है, और वीवा कट एप्लीकेशन पर आप लोगों को लोगो देखने को मिलता है जो आप लोग रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन मैं इस वीडियो में उसे कैसे रिमूव करना होता है वो दिखा दूंगा। मतलब जितने सारे एप्लीकेशन है सारे का लोगो रिमूव करके दिखा दूंगा। अब जिस जगह से आप इफेक्ट मतलब कि VFX लगाना चाहते हो उस जगह पर आप लोगों को जो मेन फुटेज का जो अंडरलाइन है मतलब कि जो एक वाइट वाला लाइन आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसे ले जाना होगा। तो मैं ये लास्ट में जो इमेज आती है इसको आने से पहले मैं वो VFX सेट करना चाहता हूँ, तो इसे यहाँ पर ले जाने के बाद नीचे आप लोगों को VFX का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो VFX का ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा और आप लोग जो VFX देना चाहते हो उसे आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं जो VFX अभी इस पर देना चाहता हूँ उसे देने के लिए मुझे एक ऐड देखना पड़ेगा, क्योंकि वो VFX ऐड देखने पर ही उसे अनलॉक होगा। तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐड प्ले हो जाएगा, तो ऐड को मैंने तो स्प्लिट करके हटा दिया, ऐड आप देख लेना। ऐड देख लेने के बाद जितना तक VFX जितना तक आप रखना चाहते हो उतना तक लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा, तो ऐड होता जाएगा। तो मेरा VFX ऐड हो गया। मैं फिर से दूसरा एक जो फेस में जो लाइटनिंग वाला जो VFX है उसे ऐड करना चाहता हूँ इस फुटेज में, तो मैं वो ऐड कर देता हूँ अभी। जो अभी आप लोग देख सकती है लाइट मतलब क्या ब्लिंक वाला ऑप्शन है जो आँख में जो ब्लिंक होती है, तो ये उतना अच्छा मुझे अभी लग नहीं रहा। अब मुझे मेन फुटेज को क्लिक करने के बाद एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाके मुझे इस पर अभी एनिमेशन देना होगा जो मैं देना चाहता हूँ। तो आप लोग अपने मन के हिसाब से एनिमेशन दे सकते हो, और एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाके आप लोगों को लॉन्ग प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एनिमेशन आपको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा। मोबाइल डाटा ऑनलाइन रखने की ज़रूरत है वीवा कट एप्लीकेशन पर, क्योंकि ये ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ऑफलाइन भी आप कर सकते हो इस पर, लेकिन कम फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं जिस एनिमेशन को देना चाहता हूँ उसे सिलेक्ट करने के बाद डन कर दूंगा ताकि मेरा एनिमेशन लग जाए। तो अभी मुझे मतलब कि जो आई में जो ब्लिंक वाला ऑप्शन मैंने ब्लिंक वाला जो VFX मैंने ऐड किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं दूसरा VFX ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छा लग रहा है। अब आप लोग देख ही सकते हो ये वीडियो लगभग तैयारी हो चुका है एनिमेशन देने के बाद, लेकिन इसका लोगो आप लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो अच्छा नहीं लगेगा देखने को। तो मैं लोगो भी आप लोगों को रिमूव करना कैसे करता है वो भी आप लोगों को दिखा दूंगा इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इसे थोड़ा सही से इसका VFX लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को किसी भी वीडियो का लोगो कैसे रिमूव करना होता है वो भी दिखा दूंगा। तो एक्सपोर्ट कर लेने के लेना होगा, तो एक्सपोर्ट कर लेने के बाद मैं अभी आप लोगों को गैलरी पर जाके दिखा देता हूँ इस वीडियो में जो अभी मैंने वीवा कट से यूज़ मतलब कि एक्सपोर्ट किया उसका लोगो आप लोगों को ऊपर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस लोगो को कैसे रिमूव करना होता है मैं क्रोम पे जाके इस लोगो को आप लोगों को रिमूव करके दिखाऊंगा। इसके लिए कोई एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बस क्रोम पे जाके एक वेबसाइट का यूज़ करके मैं इसे लोगों को रिमूव करके दिखा दूंगा। तो क्रोम पे आने के बाद आप लोगों को 123apps.com करके लिखना है, तो एक साइड आप लोगों को ओपन हो जाएगा। फिर इस साइड में आप लोगों को इमेज रिमूव फॉर वीडियो का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपने फाइल में जाने के बाद जिस वीडियो का लोगो आप लोग रिमूव करना चाहते हो उस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर आप लोगों को एक टैप कर देना होगा और एक सर्कल वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जिस मतलब कि एक स्क्वायर वाला ऑप्शन जिसकी मदद से आप लोग लोगों का लोगो रिमूव कर सकते हो वीडियो का। तो स्क्वायर वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलने के बाद स्क्वायर का ऑप्शन को आप लोगों का रोमो के लोगों के ऊपर ले जाने के बाद आप लोगों को सेव कर लेना।